Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello dear students, welcome to online classes. So class 8 ke liye subject geography aur jo aaj ke jo hamara topic hai wo distribution of natural vegetation. To isse pehle humne kya padha tha, natural vegetation and wildlife resource. To natural vegetation mein humne sabse pehle kya padha tha, biosphere ko padha tha, phir ecosystem ko padha tha. To biosphere kya hota hai, तीन स्फीयर के बीच में एक नैरो जोन है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर. तो इन तीनों के बीच में एक नैरो जोन है, उस नैरो जोन को हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर. तो बायो मींस लाइफ. तो इसी बायोस्फीयर में क्या होता है, एक दूसरा हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटर रिलेटेड होता है और एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होता है, उससे हम कहते हैं इकोसिस्टम. वो आपस में एक सिस्टम बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं. सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. सो दुनिया में बहुत सारे टाइप्स है वेजिटेशन का. मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ल्ड आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्ट्रब्स एंड टुंड्रा. तो सबसे पहले हम फॉरेस्ट को डिस्कस करते हैं. सो फॉरेस्ट किसे कहते हैं, एरिया ऑफ हेवी रेनफॉल, ह्यूज ट्री में ट्रीज. और फॉरेस्ट उसे कहता है जहां जिस जगह में क्या होता है, हेवी रेनफॉल होता है. और फॉरेस्ट में क्या होता है, बहुत बड़े ट्रीज होता है, फेल्ड ओवर ट्री होता है, बहुत बड़े ट्रीज होते हैं. तो अमूमन ये फॉरेस्ट हमें कहां देखने को मिलता है, इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. तो दूसरा पॉइंट, एबंडेंस ऑफ वेजिटेशन एंड वाटर सप्लाई. तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, एबंडेंस ऑफ वेजिटेशन. वहां पे जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पे बहुत सारे वेजिटेशन होता है और वाटर सप्लाई बहुत सारे होता है. वाटर सप्लाई इसलिए होता है क्योंकि वहां पे हेवी रेनफॉल होता है, और वेजिटेशन एबंडेंस इसलिए है क्योंकि वहां पे बहुत बड़े ट्री है, बहुत बड़े ट्री है. तो ये बात सम फ्यू पॉइंट ऑफ अबाउट फॉरेस्ट. तो इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रासलैंड. तो ग्रासलैंड कैसे कहता है, ग्रासलैंड वो एरिया है जहां पे ग्रास ही ग्रास होता है, लेकिन वहां पे सॉइल में मॉइस्चरिटी होता है, रेनफॉल भी होता है, लेकिन फॉरेस्ट के निस्बत में कम होता है, लेकिन फॉरेस्ट की निस्बत में बहुत कम होता है. इन मॉइस्चर एंड रेनफॉल ग्रासलैंड कहां मिलता है, हमें मॉइस्चर एरिया में और रेनफॉल एरिया में मिलता है. लेकिन जो ग्रासलैंड एरिया में जो ट्री होता है वो क्या होता है, उनका जो साइज होता है वो बहुत छोटे होता है, और उनका जो डेंसिटी है वो बहुत लेस होता है, डिक्रीज होता है, बहुत कम होता है. साइज एंड डेंसिटी ऑफ ट्री आल्सो डिक्रीज. अब ग्रासलैंड में जो साइज और डेंसिटी ऑफ ट्री है वो क्या होता है, डिक्रीज होते रहते हैं. और रेनफॉल शॉर्ट स्टैंडिंग ट्री एंड ग्रासेस. तो वहां पे जो एरिया है ग्रासलैंड एरिया, वहां पे कुछ महीने के लिए या कुछ साल में कुछ महीने क्या होता है, बारिश होता है, उसके बाद बारिश देखने को नहीं मिलता है. तो वहां का जो ट्री है वो स्टैंड होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, और वहां ज्यादातर क्या होता है, ग्रास ही ग्रास होता है. सो उसके बाद स्क्रब. स्क्रब्स क्या होता है, ड्राई एरिया ऑफ लो रेनफॉल. अमूमन ये किस जगह पे होता है, हमारे डिजर्ट एरिया में होता है. तो डिजर्ट एरिया में क्या होता है, वहां पे जो एनुअल रेनफॉल है कम से कम 150 सेंटीमीटर पर ईयर, तो वहां पे बहुत लो रेनफॉल होता है. उसकी वजह से जो मिट्टी है वहां का वो ड्राई रहता है. ड्राई रहने से वहां पे जो प्लांट है ग्रो होता है, वहां पे जो प्लांट वो क्या होता है, थ्रोनी होता है. और स्क्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो डीप रूट एंड वैक्सीनेट. वहां का जो प्लांट है वो थ्रोनी होता है, थ्रोनी मीन्स कांटे वाला. वहां का जो प्लांट है वो होता है कांटे वाला, यहाँ पे कांटे होता है. तो कांटे इसलिए होता है क्योंकि ताकि वो किससे बचाए रहे, एनिमल से, एनिमल इसको ना खा जाए, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, कांटे रहते हैं. तो जो इनका जो रूट है वो बहुत नीचे चले जाते हैं इन द साइज ऑफ वाटर. और जो लीव्स है वो वैक्सी होता है, वैक्सी मीन्स वो थोड़ा नरम सा सॉफ्ट सा रहता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वैक्स इसलिए रहता है क्योंकि वो क्या करते हैं, मॉइस्चर को रिड्यूस करते हैं, बहुत कम करते हैं ट्रांसपिरेशन के थ्रू. ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो मॉइस्चर को रिड्यूस करते हैं उसे हम वैक्स लीव कहते हैं. तो अमूमन ये चीज हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, जो ड्राई एरिया, डिजर्ट एरिया में. तो उसके बाद टुंड्रा. तो टुंड्रा क्या होता है, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है,
कोल्ड पोलर रीजन। तो हमारे जो एंटार्क्टिका और आर्टिक साइड है, ग्रीनलैंड साइड है, वहां पे हमें ये टुंड्रा फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो वहां पे क्या होता है, मोसिस एंड लीचिन। लीचिन क्या होता है, लीचिन एक फंगस या सिम्बायोटिक होता है, वो सॉलिड रॉक पे ऐसा रहते हैं, जैसे फंगस हमारे जो ब्रेड वगैरह उन पे लगते हैं, वैसे जो वहाँ का जो सॉलिड पार्ट्स है, सॉलिड टाइप ऑफ रॉक या ट्री, उन पे जो लगे रहते हैं उसे हम लीचिंग कहते हैं। तो दीज आर अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ग्रासलैंड, स्क्रब्स और टुंड्रा। तो उसके बाद जो हमारा फॉरेस्ट है वो फर्दर क्लासिफाइड किया गया है इनटू टू टाइप्स, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डिस्यूडियस फॉरेस्ट। तो एवरग्रीन हम उसे कहते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट हम उसे कहते हैं जो अपने लीव्स को शेड नहीं करते, डू नॉट शेड देयर लीव्स। तो वो क्या करते हैं, उनपे जो पत्ते रहते हैं वो सालों साल रहता है, तो उसे हम कहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, हमें ये अमेजोन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल एरिया में देखने को मिलता है। और डिस्यूडियस फॉरेस्ट उसे कहते हैं, वो क्या करते हैं, जो डिस्यूडियस फॉरेस्ट है वो क्या करते हैं, अपने लीव्स को गिरा देते हैं एक पार्टिकुलर सीजन, क्योंकि वो पार्टिकुलर सीजन में अपने पत्ते क्यों गिराते हैं, इसलिए गिराते हैं क्योंकि जो ही अटक सीजन आ जाता है तो रेनफॉल मशरूमी मिट्टी में आस्ते आस्ते खत्म हो जाता है, इसलिए वो ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोरेशन ना हो जाए, इसलिए वो इवेपोरेशन प्रोसेस ना हो जाए। तो वो जितने भी अपने जो स्टम या रूट्स में पानी मौजूद होता है उसको बाहर न भेजा जाए, इसलिए वो अपने लीव्स को अपने से काट देता है, तो उसे हम कहते हैं डिस्यूडियस। तो डिस्यूडियस फर्दर क्लासिफाइड क्या है, दो टाइप्स में, एक ट्रॉपिकल और एक टेम्परेट। तो ट्रॉपिकल डिस्यूडियस वो होता है वो कुछ महीनों के बाद अपने पत्ते गिरा देते हैं। टेम्परेट डिस्यूडियस वो होता है, ट्री अपने पत्ती को गिरा देता है एक पार्टिकुलर सीजन में, लेकिन वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, फॉर इन टेम्परेट सीजन। सो दीज आर अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। होप यू अंडरस्टैंड। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नया एक टॉपिक के साथ, तब आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।